माम एकम शरणम व्रज। और यही बात श्रीमद् भागवत में गोकर्ण और आत्मदेव की भी चल रही है। गोकर्ण कह रहे हैं, पिताजी धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान यहि काम तृष्णाम। त्यागो इन सब धर्मों को, जितने लोक धर्म तुमने बनाए रखे हैं, बुआ जी को ये दे आना है, वहां ये करना है, हमारा सामाजिक धर्म ये है, घर का धर्म ये है, शरीर का धर्म ये है, मान कोई धर्म नहीं, पहले एक धर्म अपनाओ। कौन? कोई बुद्ध महापुरुष तुम्हारे जीवन में आ जाए और कहे यही धर्म है, भी परम धर्म, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक अखंड अनंत। कई बार आपने देखा होगा जिंदगी में कि लोग पूछते हैं, माता पिता का सेवा करना हमारा धर्म नहीं है, किसने मना किया? हमारी संस्कृति में श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पे ले जा करके कितना तीर्थ यात्रा कराया, कितने स्नान करवाए, किसने मना किया? लेकिन यही भारतवर्ष है, जिस भारतवर्ष में कैकेयी ने जब अपने पुत्र को कहा कि तुम्हें राजा बनना होगा, तुम्हारे लिए मैंने सारी व्यवस्था बना दी है, तो भरत जैसा पुत्र ने अपनी मां को मां कहने से इनकार कर दिया और राम जी उनको गले लगाते हैं। मेरा एक प्रश्न है भैया, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, घर में जो अपनी मां की बात न सुने उसके ऊपर भगवान को नाराज रहना चाहिए, भगवान को कहना चाहिए तू पापी है। ये राम जी को क्या हो गया जो भरत जी को गले लगाए घूम रहे हैं? मुझे पता है हम भारतीयों को जब सच्चाई से कोई अवगत कराता है तो हम अगल बगल देखने लगते हैं, बगले झांकते हैं, ये हमारी आदत है। अगल बगल नहीं, अगल बगल आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं है, जो है तुम्हारे भीतर है। जब तक अंतर में नहीं झांकते ज्ञान के चक्षु से, इन दो चमड़े की आंखों से बहुत कुछ होना नहीं है। त्रिनेत्र शंकर के त्रिनेत्र के बारे में तुमने पढ़ा होगा, शिवक के त्रिनेत्र के बारे में, वो ज्ञान नेत्र है, शिव नेत्र है, कल्याण का नेत्र है। ज्ञान चक्षु के बगैर किसी भी मनुष्य का मंगल नहीं हो सकता। भगवान तो खुलेआम भरत को गले लगा रहे हैं, भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ठीक किया तुमने, कभी नहीं कह रहे बहुत गलत है, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मां का अपमान करते घटाओ। ठाकुर जी कहते गुड गुड, शासन करो, मेरी खड़ाऊ ले जाओ करो। प्रहलाद अपने पिता की कोई बात नहीं सुनता, वो जब सुनता है गुरु नारद की बात सुनता और अपनी मां कयाधु की बात सुनता है। दुनिया आज तक प्रहलाद की पूजा करती है, किसी हिरण कश्यपु की पूजा नहीं करती। प्रमाण, प्रमाणों के बाद भी अगर हमारे आंख नहीं खुलते, धर्म को अगर हमने सिर्फ ये मान लिया है कि धर्म में आना है, दो घंटे बैठना है, कथा सुननी है, दो चार चौपाइयां उठाना है, मनोरंजन करना है, तो इससे बढ़िया तो मल्टीप्लेक्स है, जाके बैठ जाओ लेके, जो भी लेके, मैं थोड़ी बोलूंगा क्या लेके बैठना, वो तुम्हारी मर्जी। ये मनोरंजन का स्थान नहीं है, ये मनोमंथन का स्थान है। मन के भीतर हड़कंप मच जाए, मन विरुद्ध हो जाए। और पहली बात यह है कि जब किसी धर्म सभा में, आध्यात्म सभा में किसी महापुरुष के समक्ष तुम बैठे होगे और तुम्हारा ऑपरेशन होगा तो भीतर बड़ी विरोध उपजेगा। पहले व्यासपीठ पर बैठे हुए आदमी से बड़ा विरोधी तुमको कोई नजर आएगा ना, बड़ा खतरनाक आदमी, बेकार बोलते रहता। पर कबीर दास इसके लिए बड़ी सुंदर बात कहते हैं, सदगुरु मेरा सूरमा तकी तकी मारे तीर और लागे पन भागे नहीं, वाको नाम कबीर।
उनका काम है तीर मारना तुम्हारे घावों के ऊपर, जख्मों के ऊपर। अब तुम्हारी हां में हां मिलाने के लिए कोई चमचा बैठा है तुम्हारा यहां? ऐसी कौन सी कमी आ पड़ी है कि तुम्हारी हां में हां मिलाऊं? किस लिए? जो तुम्हारे भीतर अच्छाई है वो तो है ही, जो नहीं है नहीं जानते। धर्म के नाम पर कहीं अधार्मिक आचरण अपना रहे हो, सत्य धर्म आध्यात्म महापुरुष गुरु संत बस उस ओर इंगित करते हैं, हां वो जबरदस्ती नहीं करते। कोई गुरु कभी किसी के ऊपर आज तक जबरदस्ती नहीं किया साहब। जो सीखना चाहो जब तक सीखना चाहो सीख सकते हो।